हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक दैट इज एम्पलीट्यूड डेवलपमेंट। नंबर सेकंड टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं वो आता है एम्पलीट्यूड डेवलपमेंट। क्योंकि सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है और उसके बाद जो यहां बनता है वो बनता है एम्पलीट्यूड डेवलपमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में क्यों होती है, पहले एंडोस्पर्म क्यों डेवलप होता है। देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसलिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इसलिए पहले होती है ताकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके एम्ब्रियो को, राइट। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म जो होता है पहले डेवलप होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना होता है। तो एंडोस्पर्म जब तक पहले डेवलप होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है, यहां पे जाइगोट होता है, इस तरह से जाइगोट होगा और जाइगोट होता है ये डिप्लॉयड रहेगा। ये मैनी टाइम्स क्या करता है, ये मैनी टाइम्स माइटोसिस करता है। माइटोसिस क्या करेगा, मैनी टाइम्स यहां पर करेगा, यानी कॉपी को रिपीट करेगा। और यहां पे क्या करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, लाइक दिस एक ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लोबुलर, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबुलर फॉर्म बोलते हैं। यहां पे इसे बोलते हैं ग्लोबुलर, ये ग्लोबुलर स्टेज होती है एम्ब्रियो की। ये बहुत बार माइटोसिस रिपीट करेगा एंड फॉर्म में ग्लोबुलर स्टेज, और अल्टीमेटली फिर दोबारा से माइटोसिस रिपीट करेगा और एंड फॉर्म में और बार रिपीट होगी। और क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस और कंटिन्यूस होगी, और माइटोसिस जब कंटिन्यूस यहाँ पे होगी तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा, लाइक दिस आपको इस तरह से आपको देखने को मिले। यहां पर इस तरह से तो देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक डाइकोट एम्ब्रियो का होता है। ये इसके जो टू आपको दिखाई दे रहे हैं, टू आर द कोटिलेडन्स, ये क्या होते हैं, कोटिलेडन्स होते हैं। ये टू क्या होते हैं, टू कोटिलेडन्स हो गया है, बिकॉज से डाइकोट। और ये जो स्टेज होती है, दिस इज नोन एज रूट, इसे बोलते हैं रेडिकल। इस पार्ट क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं रेडिकल। और हेयर दैट इज नोन एज पल्प्यूल, क्या बोलते इसको, पल्प्यूल कहा जाता है। एंड दैट इज नोन रूट कैप, क्या बोले इसको, रूट कैप कहते हैं हम यहां पे। और ये जो है, दिस इज डाइकोट एम्ब्रियो, क्या बनेगा ये, डाइकोट एम्ब्रियो बनेगा ये, डाइकोट एम्ब्रियो। और ये जो स्टेज होती है ग्लोबुलर स्टेज, ये ग्लोबुलर स्टेज कॉमन होती है डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर। मोनोकोट के अंदर एक कोटिलेडन मिलेगा, डाइकोट टू कोटिलेडन मिलेंगे, और ग्लोबुलर स्टेज क्या होती है, कॉमन मिलेगी यहां पे। तो दिस इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये क्या होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, राइट। क्या होगी, इसे बोलेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे, कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद क्या होता है इसमें, देखिए देखेंगे। एंडोस्पर्म जो लास्ट में पढ़ा था, डेवलप फर्स्ट या बिफोर एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलप होगा बिफोर, डेवलप बिफोर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इससे एम्ब्रियो के बनने से पहले ये डेवलप होगा यहां पे। अब क्यों डेवलप होगा एम्ब्रियो से बनने से पहले, क्यों डेवलप होगा, बिकॉज
बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन क्योंकि एंडोस्पर्म तो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट. इसके लिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो इसलिए पहले क्या हुआ, पहले यहां पे एंडोस्पर्म बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. अब एम्ब्रियो की तो देखते हैं, ग्लोबुलर जो स्टेज होती है, ग्लोबुलर स्टेज इज कॉमन इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट. ग्लोबुलर स्टेज होती है वो कॉमन होती है मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर. ये स्टेज क्या होगी, ये स्टेज आपको कॉमन मिलेगी, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या मिलेगी, दिस स्टेज कॉमन, राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट डिवाइड कॉन्टिन्यूस. जाइगोट जो होता है वो कंटिन्यूस डिवाइड होगा, जाइगोट डिवाइड कंटिन्यूस एंड फॉर्म एम्ब्रियो. क्या करेगा, एम्ब्रियो को बनाएगा, राइट. जाइगोट डिवाइड और कंटिन्यूस और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो को बनाएगा. इसे कहते हैं हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट. क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा जाता है, राइट. तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है कंप्लीट. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पे सीड फॉर्मेशन.